तो पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को पता ही है कि मैं कुछ और भी चीज़ें बताती हूँ लाइफ से जुड़ी हुई, क्योंकि भैया ये हमारी लाइफ है, लाइफ को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। अगर ऐसे ही जाने देंगे ना तो ऐसे ही निकल जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। राज होता है मनीषीगढ़, अब देखिए मनीषीगढ़ सौ पे छोटी मात्रा, योगी राज तो योगी राज कि आप तो बाहर निकल जाती थी, मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। ये अगर आप मेरे कुछ बहनें कहेंगी तो मैं बता दूँ, सबसे बड़ा हथियार आपके पास किताब है, अगर घर में है तो उठाइए किताब, उठाइए कलम, उठाइए कॉपी, बैठ जाइए, कमेंट पढ़िए एक दूसरे का और अपने अंदर वो जोश लेके आइए। क्यों ऐसे बैठ के रोना धोना भाई, दुनिया कितना आगे बढ़ रही है देख नहीं रहे हैं? पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सैलरी आप लोग मेरी बार बार पूछ रहे हैं टीजीटी पीजीटी की सैलरी कितनी होती है, बस आप क्या करिए, ऐसे ऐसे आंसू पोछिए, यही सब मैं करती थी, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे आंसू पोछिए, पढ़ना लिखना शुरू करिए और सफल होके दिख। उसके बाद जो है मैंने डांस भी सीखा, कथक डांस का क्लास मैंने ज्वाइन कर लिया। अब जो शादी के बाद मैंने किया था, कुछ लोग कहे कि इतना मतलब सुनाए आपको मैं क्या बताऊं कि नाचती है तो ये है, कहीं भी आप कोचिंग ले रहे हैं बिल्कुल पढ़िए उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, उसके नोट्स भी पढ़िए, कोई किताब भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़िए, मूल पुस्तक भी पढ़ रहे हैं पढ़िए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कई बार रिपीट करूंगी क्योंकि आप लोग वाकई में मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज जो है ना, मैं एक डाउट था आप लोगों का, एक प्रश्न था जो मैंने कम्युनिटी पर डाला हुआ था अपने, वो वर्तनी शुद्ध करने वाला था, उसका पोल ही गलत जा रहा है। तो मैं सोची, मैंने वहीं पर हिंट किया था क्वेश्चन के आंसर में कमेंट में कि आप लोग सोच समझ के उत्तर दीजिए और किताब में सर्च करके दीजिए। उसके बावजूद भी सभी लोग फटाफट फटाफट जो दिमाग में आता गया वो मतलब मेहनत नहीं किए और फटाक से क्लिक करके हट गए, और पोल भी देखे कि ज्यादा जा रहा है तो उन लोगों को ये कंफर्म हो गया कि ये आंसर सही है। हालांकि मैं उस पर उत्तर दूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आप लोग अपना दिमाग लगाइए, लेकिन आप लोग नहीं लगाए और ना ही किताब खोल के कंफर्म करने की कोशिश किए। कुछ लोगों ने उस पर सही आंसर दिया है, तो मैंने देखी ये खोज के वो ना वर्तनी मैंने दिया था, क्योंकि उसमें मुझे भी कंफ्यूजन थी। मैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाती हूँ जिसको मैं देखती हूँ फटाक से और मुझे भी कंफर्म रहता है कि ये सही है, लेकिन जब उसका उत्तर देखिए तो लगता है कि अरे यार ये तो मैं जानती ही नहीं थी। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए खोज के कभी कभी मैं डालती हूँ, है ना, हालांकि मैं सोचती हूँ कि रेगुलर मैं डाला करूँ खोज के, लेकिन तो उसी पे मैं आज बात करने वाली हूँ कि वर्तनी वगैरह जो है ना एग्जाम में आते हैं। आपको पता है कि आप लोगों ने मतलब मॉडल पेपर देखा होगा टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस ईयर के, तो आप लोग देखे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं आप लोगों के। तो एक एक नंबर आप जानते हैं भाई कि एक एक नंबर से आदमी पीछे हो जा रहा है, एक नंबर से नौकरी नहीं मिल रही है। तो क्यों ऐसी चीज़ों पर जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, खेलते खेलते जिन चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं तो उस पर क्यों नहीं हम काम करें? जिस चीज़ को जानते हैं उस पर तो हम मतलब उसको रिवीजन करें, लेकिन जिसको नहीं जानते उसको तो और हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज मैं ये बताती हूँ, ठीक है, अभी मैं बताऊँगी और वो मैं पूरा पेज ही दिखाऊँगी आपको कि उसमें कैसे अच्छे अच्छे शब्द हैं आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। और एक मेरे पास अभी लेटेस्ट कमेंट आया था कि दीदी ये बताइए कि सरस्वती पांडे की किताब में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, क्योंकि इसमें उपन्यास तो बहुत ज़्यादा दिया है। तो भाई मैं बता दूं कि मैंने ये बहुत मतलब पहले ही और हर वीडियो में अक्सर मैंने कई वीडियो में मैंने बताया है कि कुछ नहीं छोड़ना है। अगर आप वाकई में नौकरी लेना चाहते हैं तो कुछ मत छोड़िए, पहले पेज से शुरू करिए और सिलेबस मतलब आपके हाथ में होना चाहिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो शुरू से लेके लास्ट तक देखिए क्या क्या आपके सिलेबस में है, पढ़ डालिए जितनी चीज़ें दी हुई हैं अगर आप वाकई में नौकरी लेना चाहते हैं तो, क्योंकि अब एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछता है जो कभी नहीं पूछता है, जिसको लोग छोड़ देते हैं अक्सर हल्के में लेके कि अरे यार इसको क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आता है, वही चीज़ें पूछ दे रहा है। तो इसीलिए आप लोग ये रिस्क ना लें, ठीक है। और देखिए जैसे आप लोग बार बार कहते हैं कि मैं अपने से तैयारी कर रहा हूँ, मैं कोचिंग मैंने ये लिया है तो और क्या पढ़ना चाहिए, मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ, ये किताब पढ़ रहा हूँ, मन बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं कमेंट कि क्या करना चाहिए। तो देखिए आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी आप कोचिंग ले रहे हैं बिल्कुल पढ़िए उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, उसके नोट्स भी पढ़िए, कोई किताब भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़िए, मूल पुस्तक भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन ये दो किताब जो है ना जरूर पढ़िए, ठीक है ना, ये किताब जरूर पढ़िए, ये दोनों किताबें। अगर आपके पास इसके मतलब बदले में कोई अच्छे राइटर की हरदेव बहारी की भी मैं मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इसी तरह से अच्छी किताब है, तो उससे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लोगों के पास कुछ नहीं है, जो लोग एकदम अननोन है किसी चीज़ से, तो ये किताब जरूर पढ़िए और इसके साथ साथ और भी चीज़ें पढ़िए। अब ये मत सोचिए कि इस किताब को कोई प्रचार प्रसार है, ठीक है, मैंने ये यूज़ किया है। आप इस सरस्वती पांडे की किताब एकदम नई थी भाई, अभी मतलब एक साल पहले जब मैंने तैयारी शुरू किया था, 10 महीने मैंने तैयारी किया है और मैंने एग्जाम निकाला है, ठीक है। लेकिन
पढ़ाई क्या है, मैंने दिन रात मैंने एक किया, नहीं जाना कि क्या रात है क्या दिन है, क्या कुछ चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, तो वो तो करना ही करना है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप करके पढ़ाई करिए, एक बार आपकी जॉब लग जाएगी तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनका उनकी देख रेख तो करनी ही है, लेकिन अनर्गल जैसे नहीं बच्चों में ही फंसे रहना, मतलब एक नहीं होता घुमाना फिराना, ये वो थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। आप पढ़ाई करिए, जब आपकी एक बार नौकरी लगे निश्चिंत होकर जहाँ वो कहे वहीं आप लेके, मतलब आप विदेश में कहे विदेश लेके चले जाइए, जहाँ कहे वहाँ लेके चले जाइए, कितनी अच्छी बात है, बच्चों जो कुछ कहे वो आप दिला दीजिए। तो इसलिए इस पर्पज से मैं कह रही हूँ। तो ये किताब देखिए एकदम नई थी और मैंने इसका क्या हल बना दिया है, ठीक है ना, पढ़ते पढ़ते, ठीक है, पता नहीं कितनी बार। तो वही चीज़ है कि ये दो किताब आप पढ़िए ही पढ़िए, और इसके साथ आप नोट्स पढ़िए, कोई कोचिंग कर रहे हैं वो पढ़िए, कुछ भी मतलब करिए, लेकिन ये चीज़ें आप करते रहिए, ठीक है। और अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ, वो पेज जो मैंने वर्तनी शुद्ध करने वाली दी थी, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को पता ही है कि मैं कुछ और भी चीज़ें बताती हूँ लाइफ से जुड़ी हुई, क्योंकि भैया ये हमारी लाइफ है, लाइफ को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, अगर ऐसे ही जाने देंगे ना तो ऐसे ही निकल जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों को पता होगा कि कितना टाइम निकल चुका है जब से आप लोगों ने फॉर्म भरा है, आप लोगों को पर्याप्त समय मिला है, बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि हमें समय नहीं मिला। अब उसमें कहेंगे कि मेरे साथ ये परेशानी है, ये दिक्कत है, वो लगी रहेंगी, सबके साथ लगी रहती हैं, और करने वाले उसी में करते हैं। हाँ, आपको अपनी छोटी छोटी खुशियों का त्याग करना पड़ेगा, नींदों को हराम करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, तब जाके कहीं आपको सफलता मिलती है, ठीक है। वो गाना है ना दंगल दंगल का, आप लोग सुनिए, मैं तो बार बार कहती हूँ ये दंगल दंगल का जो टाइटल सॉन्ग है इसको पूरा सुना करिए। मैं बड़ा मतलब सुनती थी इस सब चीज़ों को, और एक एक वर्ड को सुनिए, कहती है ना कि मांगती है बदले में तुझसे हर बूंद पसीना, ठीक है। तो क्या मांगती है भाई हमारी ज़िंदगी हमसे, कुछ नहीं मांगती है, बस हमें वो देखती है कितना ये मेहनत कर रहा है, उसके बदले में जो उसका रिवार्ड है वो उसको मिलता है, ठीक है। तो लाइफ से रिलेटेड बात मैं ये बताना चाहती हूँ ना, कभी लाइफ से क्या है, ये सक्सेस से संबंधित है, अगर हम इन सब चीज़ों को समझेंगे तभी सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ही हो रही हैं, है ना, और ये जो जर्नी है ना इसको समझना पड़ेगा तभी हमें सफलता मिलेगी। तो कभी कभी जो होता है कि हम दूसरों के पीछे अपना अपने मूल्यवान समय को, जो कहा जाए मूल्यवान समय, अपनी कीमती जिंदगी को, ठीक है, हम दूसरों के पीछे लगा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं और क्या कर रहे हैं और इसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। हम ऐसी उम्मीद लगाए रहते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, लेकिन अचानक से जब एकदम निगेटिव उसका फेस हमारे सामने आता है तब हमें समझ में आता है कि अरे यार हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ही निकाल दी और हमें कुछ नहीं मिला। तो देखिए किसी भी इंसान को पहचानने का दो ऐसे मौके होते हैं आपकी ज़िंदगी में जब आप अपने किसी इंसान को पहचान सकते हैं, ये मेरा खुद का अनुभव है। पहला मौका तो ऐसा होता है जब आपके पास बहुत मुसीबत हो, बैठ के सोचिएगा कि जब कौन सा ऐसे व्यक्ति है जो आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा हुआ था, क्योंकि जब मुसीबत आती है सब किनारे हो जाते हैं, आपको लोग पहचानने से इनकार कर देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ आपका साथ देते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं आपके मतलब हित हैं, ठीक है ना। ले एक मौका और आता है जब आप व्यक्ति को पहचान सकते हैं, वो कौन सा मौका है वो आपको सुन के हंसी आएगी, मतलब आप जब बहुत सक्सेस हो जाते हैं, है ना, जब बहुत सफल हो जाते हैं, ये मेरा खुद का अनुभव है, जब मैं सफल हुई थी तब का मैं बता रही हूँ, जब बहुत सफल हो जाते हैं बहुत सक्सेस हो जाते हैं तब भी लोगों का चेहरा आपको सामने आपके सामने आएगा, कौन वाकई में आपका हित है और कौन नहीं। जिसको हम बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, अपना बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन आप जरा सा आगे बढ़ के दिखाइए ना, जरा सा उससे ऊपर होके दिखाइए ना, सफल होके दिखाइए ना, आपके उसके हाव भाव से उसके बात व्यवहार से आप जान जाएंगे कि वो व्यक्ति कितना हित है, ठीक है। ये मेरा खुद का अनुभव है, बस ऐसे लोगों से ना बस दूर से मतलब हाल चाल लिया करिए, उनके पीछे जो है ना अपना समय बर्बाद मत करिए, जिंदगी आपकी बड़ी मूल्यवान है, इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और जैसे आप लोग कहते हैं दीदी मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, ये प्रॉब्लम है, मतलब मैं सोचती रह जाती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ, बहुत सारी दिक्कतें मतलब होती हैं आप लोगों को, आप लोग शेयर करते हैं मेरे साथ, तो मैं सबका एक ही बता रही हूँ कि देखिए प्रॉब्लम सबके जीवन में आती हैं और उससे वही लोग बचते भी हैं जिनको कुछ लाइफ में करना है। कैसे मैं बताऊं, मेरे सामने तो ऐसे मतलब जो कहा जाए ना कि एक समस्या का पुतला जो कहा जाए, ऐसे मतलब एक जाए एक आए, एक जाए एक आए, आज भी ऐसी चीज़ें लगी रहती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, लेकिन आदमी उसी में आगे बढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है। कैसे आप इन चीज़ों से निकलेंगे, कैसे अपनी पढ़ाई को आप जारी रख पाएंगे, एक दो चीज़ ध्यान से सुनिएगा, मेरा खुद का अनुभव है फिर मैं बता रही हूँ, ठीक है। जब भी आपके सामने बहुत प्रॉब्लम आ जाए तो बैठ के रोइए मत, ये नहीं कि मैं बिस्तर पर बैठ के रजाई में मुँह ढक के कंबल में मुँह ढक के खूब रोऊंगा, खूब सोचूंगा या खूब सोचूंगी उस पर, खूब मंथन करूंगी उस पर, खूब आंसू बहाऊंगी, ठीक है,
कुछ नहीं मिलने वाला है इससे। आपको पता है कि आप कितना बर्बाद कर रहे हैं, कितनी सारी बीमारियों को आप दस्तक दे रहे हैं अपने अंदर, और शरीर जो है आपका छीड़ हो रहा है, किसी कुछ नहीं पड़ी है, आप बर्बाद हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आप दुखी हो रहे हैं, आप मेंटली स्ट्रेस में जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। मैं बार बार कह रही हूँ, जो करेंगे अपने लिए करेंगे, जो नहीं करेंगे वो भी अपने लिए ही करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीज़ें बंद करिए, स्ट्रांग बनिए। प्रॉब्लम आई है, हाँ मन दुखी होता है, इमोशन आने दीजिए, आने दीजिए, कुछ देर बैठ के सोच लिया। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा था अपनी लाइफ में कि आखिर मैं इन चीज़ों से कैसे निकली। तो हालांकि मैं जानबूझ के नहीं करती थी, मेरा नेचर ही ऐसा कुछ था कि मैं हमेशा सक्रिय रहती थी, अपने आप को इतना मैं व्यस्त रखती थी, हो सकता है कि शायद मैं दिमाग इतना दौड़ाती थी। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि हमेशा मैं ये सोचती थी कि प्रॉब्लम का सलूशन कैसे होगा, अगर ये चीज़ तो बिगड़ गई, अब ये सही कैसे होगा, हमेशा मैं इस पर फोकस करती थी। अब इसी के लिए जो है ना कि हमेशा मैं सक्रिय अपने आप को रखती थी। जैसे जब मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी, करने लगी, तो मैंने वहां देखा कि जो सबसे मतलब अच्छी सैलरी पा रहा है, जो सबसे टॉप पे है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है जो मेरे अंदर नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग उन लोगों की अच्छी होती है, ये होती है, वो होती है, तो मैंने इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखा। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि जो लोग सबसे ऊपर हैं और तो उनके अंदर क्या क्वालिटी है जो मेरे अंदर नहीं है, मुझे डेवलप करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी के पैर खींच के पीछे करके अपने आगे बढ़ने का प्रयास करते, ये नहीं करना है। हमें मेहनत करके उस व्यक्ति से देखना कि किसके अंदर क्या अच्छाई है, उस तक हमें पहुंचना है या उससे भी आगे बढ़ना, लेकिन मेहनत से। तो मैंने इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखा, मतलब ये था ना कि मुझे करना है, मैं हार नहीं मान सकती, मुझे लोग नीचा दिखाने का प्रयास करें, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं इंग्लिश भी सीखूंगी और मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, अपना नाम करूंगी, कम से कम कहने लायक रहूंगी ना कि हाँ मैं अपना अपने बच्चे कर सकती। उसके बाद जो है मैंने डांस भी सीखा, कथक डांस का क्लास मैंने ज्वाइन कर लिया। अब जो शादी के बाद मैंने किया था, कुछ लोग कहे कि इतना मतलब सुनाए आपको, मैं क्या बताऊं कि नाचती है तो ये है तो वो है, दुनिया भर की बातें, लेकिन मैंने इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें भी मैंने क्वालिटी खोजा। क्या? एक तो मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, मैं दुखी होंगी मैं डांस करूंगी, म्यूजिक सुनूंगी, मेरा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता था, ये चीज मुझे पता था। एक तो ये कि मुझे अपने शरीर छीण नहीं करना था, मुझे अपने आप को जिंदा रखना था, ठीक है। और एक चीज ये, उसमें भी ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट के लिए टाइम पास करने के लिए मैं जाती थी, ये कि मैं ये देखती थी कि बड़े बड़े स्कूल जो है, जैसे मिशनरी वगैरह हैं, उसमें ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को ज्यादा मतलब वो प्रीफर करते हैं। उनके पास, आपके पास भले टैलेंट हो लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैं साथ में प्रभाकर जो होता है उसका रिटेन और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम होता है, वो भी मैं करना शुरू कर दी कि मेरे पास सर्टिफिकेट रहेगा दिखाने के लिए, प्रूफ कि मैं ये चीज़ जानती हूँ। और यही हुआ, मैं बहुत बड़े स्कूल में, मतलब गोरखपुर का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है, मिशनरी है, वहाँ मेरा सिलेक्शन एक बार के इंटरव्यू में, कहीं भी इंटरव्यू में मैं छटती नहीं थी, मैं जाती थी, दिखाती थी, मेरे पास हुनर भी था और मैं उसके साथ प्रूफ भी रखती थी, और मेरा एक साथ दो दो काम होता था, मैं मेंटली भी स्ट्रेस फ्री रहती थी और मेरे साथ एक चीज भी जोड़ जाती थी कि हाँ ये करना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग भी, जैसे ना बैठ के रोने धोने से अच्छा है कि अपने आप को एक्टिव रखिए, इतना टाइम ही मत रहे, टाइम ही ना रहे कि आप बैठ के सोचिए। आप कहीं वर्क करते हैं, घर में हैं, खाना बनाइए, काम करिए, कुछ ना कुछ अपना प्लान किए रहिए, एक कॉपी पे या कागज पर रोज लिखिए क्या क्या आपको करना है, ठीक है। पढ़ाई तो पहले प्रायोरिटी है, अभी तैयारी करना है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप बहुत प्रॉब्लम में है तो अब क्या है, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि आप तो बाहर निकल जाती थी, मैं बाहर नहीं निकल सकती थी, ये अगर आप मेरे घर कुछ बहने कहेंगी, तो मैं बता दूं सबसे बड़ा हथियार आपके पास किताब है, अगर घर में है तो उठाइए किताब, उठाइए कलम, उठाइए कॉपी, बैठ जाइए पढ़ने के लिए। सबसे बड़ी ताकत, अगर आप एक विद्वान बन जाते हैं, एक अधिकारी बन जाते हैं, एक नौकरी आपके पास है, सब कुछ खत्म, कौन क्या कुछ नहीं कहने वाला कोई है, ठीक है। और कह के भी रहेगा अपने रास्ते, हमको क्या करना है, हम अपने बच्चे का, अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकते हैं, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो सबसे बड़ा हथियार है, बस आप क्या करिए, ऐसे ऐसे आंसू पोछिए, यही सब मैं करती थी, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे आंसू पोछिए, पढ़ना लिखना शुरू करिए और सफल होके दिखाइए। ये नहीं कि पढ़ लिख रहे हैं और नहीं हुआ मेरा, क्यों नहीं होगा भाई, आप उस लेवल का पढ़ाई तो करिए, तब तक पढ़िए, फिर अपने आत्मा से पूछिए क्या मेरा तैयार हुआ ये टॉपिक, क्या इससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तब तक मत छोड़िए, मेहनत अपने हाथ में है, ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर कहेंगे कि मन नहीं लगता है, आप ही लोगों के प्रश्न है, मैं जानती हूं ना कि फिर एक के बाद एक प्रश्न आते हैं, मन नहीं लगता है, अरे मन का जो लगाम है उसको ढीला क्यों छोड़ दिए हैं, उसका लगाम आपके हाथ में है। लोग अपने मन पे कंट्रोल कर करके क्या नहीं कर लेते हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा वो लोग भी एक इंसान होते हैं, लेकिन अपने मन पे कंट्रोल करके, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके क्या नहीं कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, कोशिश करके देखिएगा। मैंने तो किया है भैया, मुझे एक रास्ता मिला है, मैं बड़ी छोटी पर्सनैलिटी हूँ अभी, जो भी हूँ, बस इतना है कि अपना कमा खा ले रही हूँ, इज्जत से रह रही हूँ और
किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, बस अभी इतना ही है। लेकिन एक अंदर अब होता है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। आप लोग के भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, उसका भी आया था विलेज टॉपर सत्या इस नाम से कि दीदी मैं जो है उठता था, वो शायद मेरा भाई है, सत्या लिखा है तो मैं मतलब बहन के उसमें बोली थी, वो शायद वो भाई है मेरा। तो उसने ये लिखा था कि दीदी मैं पहले 8 बजे सो के उठता था लेकिन आपका वीडियो देख रहे थे 4:30 बजे उठ रहा हूँ। तो सीखिए कुछ, आप लोग कमेंट पढ़िए एक दूसरे का और अपने अंदर वो जोश लेके आइए। क्यों ऐसे बैठ के रोना धोना भाई, दुनिया कितना आगे बढ़ रही है देख नहीं रहे हैं? पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सैलरी आप लोग मेरी बार बार पूछते हैं टीजीटी पीजीटी की सैलरी कितनी होती है, एक बार यूट्यूब पर सर्च करिए सारा डिटेल निकल के चला आएगा। और इतना आपको मिलता है ना, इतना आपको मिलता है कि आप बड़े आराम से अपनी जिंदगी काट सकते हैं, ठीक है? मतलब आराम से काट सकते हैं, ये मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा, लेकिन आराम से काट सकते हैं। आप लोग एक बार सर्च करके देखिए, आप लोगों को डिटेल मिल जाएगी और बढ़ते रहते हैं ना सैलरी। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे फायदे हैं आप लोगों को। तो ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सा है वो, कि उसमें सब सारी चीज दी हुई है और आप लोग पढ़े नहीं, ठीक है? वर्तनी शुद्ध करने वाला। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपकी किताब मैं दिखा देती हूँ, ये यही है वासुदेव नंदन की, ठीक है? और यहाँ पे देखिए दिया है पेज नंबर 50, ठीक है ना? और यहाँ पे वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, ये सारी अशुद्धियाँ हैं इतनी सारी, ठीक है? देख लीजिए, देख लीजिए, अगर आप लोग इतना पढ़ लें तो आप लोगों का ऐसा थोड़ी ना कि इसमें से नहीं आएगा। देख लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी दी हैं जो हम लोग ये जानते हैं कि ये सही है और वो नहीं होता है, ठीक है? देख लीजिए, अभी मैं आपको उस टॉपिक पर लेकर चलती हूँ जो मैंने पूछा था। पहले मैं ये दिखा दूँ कितने पेज में दिया है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, दिवारात्रि से है ना, दिवारात्रि, ठीक है? दिवारात्रि, दिवारात्रि, ठीक है? निर्गुणी का निर्गुण, नेतागढ़, नेत्रीगढ़, पक्षी, ये शुद्ध है इधर वाला, पक्षीराज, ये देखो पक्षीराज। अब यहाँ से देखिए, जब ये बड़ी की मात्रा हो गई ना पक्षीराज, हम लोग अक्सर अब क्या करेंगे गलती, क्योंकि हम पक्षी जानते हैं, जानेंगे ना, तो अब हम यही गलती करेंगे कि हम उसी पर टिक मार देंगे अशुद्ध पे। लेकिन जब इसका शुद्ध क्या है, पक्षीराज, देखिए प्राणी वृंद, अब सब बड़ी वाला दिखा रहा है, यही मैंने दिया था, प्राणी वृंद, प्राणी वृंद, माता देव, मातृदेव, अब देखिए माताहीन, मातृहीन, महाराजा, अब देखिए महाराजा, ठीक है? महाराजा और महाराज होता है। मनीषीगण, अब देखिए मनीषीगण, स पे छोटी मात्रा, योगी राज, तो योगी राज, ग पे छोटी मात्रा, राजागण, राजगण, ठीक है? यही वाला मैंने दिया था, विद्यार्थीगण, यही वाला ध्यान से देख लीजिए, मैं दिखा दूँ, विद्यार्थीगण, ठीक है? ये वाला विद्यार्थीगण, और यहाँ पे क्या है, विद्यार्थीगण, ठीक है? स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति, ठीक है? सशंकित, सशंक होता है, सकुशल, पूर्वक और सकुशल होता है, पूर्वक। अब देख लीजिए कितनी सारी चीजें हम लोग गलती करते हैं, हम लोग अक्सर ये सारी चीजें बोलते हैं ये सब, ठीक है? ध्यान से देख लीजिए, विद्यार्थीगण, विद्यार्थी बड़ी, लेकिन यहाँ पे छोटी हो जा, इसी में नहीं हो रहा है, योगी राज में भी हो रहा है, मनीषीगण में भी हो रहा है, ठीक है? तो मैंने सोचा कि ये यहाँ बहुत सारा है, आप लोग ये सब चीजें तो आप लोगों को कन्फर्म होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए पढ़ लीजिएगा सारी चीजें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।